मध्य काल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। ये आपका पाठ्यक्रम है और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर सवाल भी रहते हैं। मध्य काल में अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, ये टॉपिक। और ऐसे ही सीधे सरल सवाल आते हैं। अब इसमें देखना क्या है, मध्यकाल अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में डेवलपमेंट आपसे पूछ रहा है, तो इसको समझ लेंगे पहले। मध्यकाल का मतलब क्या होता है? अवधि बोली भाषा है और उसका लिटरेचर के रूप में विकास, ये आपका पाठ्यक्रम। साहित्य मतलब लिटरेचर के रूप में विकास, अवधि का विकास कब? मध्यकाल में डेवलपमेंट पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखते हैं तो कैसे पहले लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट होगा, इसका परिचय देंगे हम, यानी भूमिका लिखेंगे, यानी जो प्रारंभ है, और बताएंगे कि अवधि क्या। अगर ध पर छोटी मात्रा लगाएंगे तो गलत होगा या सही होगा? गलत हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो कई विद्यार्थी ऐसा लगाते हैं, है ना? तो ये ब्लंडर है, ये छोटी गलती नहीं है। अगर ऐसा कोई लिखता है तो ये बड़ी गलती मानी जाएगी। कई गलतियां क्षम में होती हैं, क्षमा कर, क्षमा करना ही चाहिए, है ना? लेकिन अगर अवधि कोई गलत लिखता है तो ये क्षम में नहीं है क्या? और वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है, तब भी कोई गलत करे तो ये। लेकिन ऐसा होता है, मैं ऐसी कॉपी दिखाऊंगा कि ऐसी ऐसी गलतियां होती। अवधि क्या है? दूसरा सवाल कब से है? तीसरा सवाल कहाँ है, कहाँ पर? चौथा सवाल अवधि की उत्पत्ति कैसे हुई? और अवधि के अन्य नाम क्या है? ये सरल सा परिचय, यानी इन सूचनाओं के साथ आप क्या लिखेंगे? परिचय लिखेंगे। तो अवधि कब से? तो आप कहेंगे कि जी 10वीं सदी से, 10वीं सदी से लगभग, या सामान्यतः अवधि का एग्जिस्टेंस सामान्यतः कब से है? 10वीं सदी से। आज हम 21वीं सदी में हैं, लगभग 1000 वर्ष हुए। अवधि की उम्र कितनी होनी चाहिए? 1000 साल। कब से है? तो 10वीं सदी से। कहाँ पर है? अवध क्षेत्र में, और इसी से इसका नाम पड़ा अवधि। अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र का मतलब लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, और बताइए, अमेठी, बिल्कुल ठीक है, फैजाबाद। ये मुख्य जगह है जहां पर अवधि का पर्याप्त है इतना नाम। तो अवधि कब से है? अवधि का जन्म 10वीं सदी से, कहाँ पर? अवध क्षेत्र में। और अवधि के अन्य नाम क्या हैं? पूर्वी है, कोसली है, और बैसवाड़ी। अवधि के तीन अन्य नाम, पूर्वी, कोसली और बैसवाड़ी, तीन नाम हैं, जिसमें पॉपुलर नाम अवधि, मतलब अवधि अगर एक जीवंत इकाई है तो उसके तीन नाम कौन कौन है? पूर्वी, कोसली और बैसवाड़ी। इसमें पॉपुलर नाम क्या है? अवधि है। अवध क्षेत्र से इसका नाम पड़ा है। कब से है? 10वीं सदी से। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी प्राकृत एवं अभ्रंश,
अवधि का जन्म कैसे हुआ? अर्धमागधि प्राकृत वम अपभ्रंश। तो याद हो गई सूचना, ये आपका परिचय हुआ। अवधि 10वीं सदी से अवध क्षेत्र में अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ, और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? पूर्वी, कोसली और बैसवाड़ी। और अवधि क्या थी? पहले बोली रही, फिर भाषा बनी, फिर साहित्यिक भाषा बनी, और फिर इसका अखिल भारतीय विस्तार हुआ। पहले तो बोली के रूप में रहती, फिर उसमें व्याकरण निश्चित होगा, भाषा बन जाएगी। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर समझने के लिए देखें तो बोली का मतलब क्या है? बोली का मतलब है कि क्षेत्रीय रूप है इसका, और बोलचाल के रूप में है बोली। इसका अभी ग्रामर निश्चित नहीं हुआ है, व्याकरण का निश्चित रूप नहीं, धीरे धीरे बनेगा और थोड़ा और ये एडवांस होगी। यानी बोली का, भाषा का जो प्राथमिक रूप है बोली, इसको हम क्या कहेंगे? भाषा का प्राइमरी रूप, भाषा का प्राथमिक रूप। प्राथमिक मतलब शुरुआती रूप, और फिर ये ग्रामर होने लगेगा, भाषा बन जाएगी। इसका व्याकरण भी होगा, इसमें साहित्य भी लिखा जाएगा, और कुछ बोलियों में भी साहित्य हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है कि ये बोली है भाषा है। बोली का विकसित रूप क्या है? भाषा। और भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है? बोली। भाषा का मतलब है कि उसका ग्रामर ज्यादा विकसित होगा, ये भाषा। फिर भाषा और भी विकसित हो सकती है, ये भाषा विकास हो कई रूपों में, और कोई राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो सकती है, मानक भाषा के रूप में विकसित हो सकती है, राजभाषा के भी। तो भाषा का विकास हो सकता है, और विकास हो। लेकिन बोली और भाषा का मतलब क्या हुआ? पहले कोई चीजें स्टार्ट में बोली के रूप में रहती हैं, धीरे धीरे वो और ज्यादा विकसित होती है। तो समझ में आ गया अवधि क्या थी। शुरुआत में बोली थी, भाषा हुई, ऑल इंडिया लेवल पर भाषा आगे बढ़ी, वो रामचरितमानस जैसी रचना आगे। कब से इसका एग्जिस्टेंस है? 10वीं सदी से। कहाँ पर है? अवध क्षेत्र में, और धीरे धीरे अवध क्षेत्र से बाहर आती है वो। जन्म कैसे हुआ? अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश से हुआ। और इसके अन्य नाम क्या है? पूर्वी, कोसली, बैसवाड़ी। ये आपने परिचय दिया, एक पैराग्राफ लिखा, फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखा कि अवधि का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है, यानी प्रारंभिक उदाहरण कहाँ मिलता है, प्रारंभिक रूप कहाँ मिलता है, अवधि का प्रारंभिक रूप या प्रारंभिक उदाहरण कहाँ मिलता है। 10वीं सदी से है, लेकिन प्रारंभ कहाँ से साहित्य के रूप में? तो प्रारंभिक रूप मिलता है, अमीर खुसरो एक व्यक्ति है, नाम सुना है आपने, अमीर खुसरो। ये 13वीं 14वीं सदी के व्यक्ति अमीर खुसरो, और इनकी एक रचना है खालिक बारी, और इसमें अवधि के प्रमाण मिलते हैं। खालिक बारी में अवधि के प्रमाण मिलते हैं। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक उसी तरह से और भी लोग हैं, वंशीधर हैं, और इनकी रचना प्राकृत पैंगलम में भी मिलता है। इनमें भी अवधि के प्रमाण मिलते हैं। अवधि का प्रमाण मिलता है, ये प्रारंभिक रूप है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति हैं दामोदर शर्मा, एक दो रचनाओं का नाम याद रखना, दामोदर शर्मा, और इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यहाँ भी मिलता है। यानी अवधि का जो रूप है, शुरुआती रूप, अभी साहित्यिक रूप नहीं मिलता, अवधि का प्रारंभिक रूप
विभिन्न रचनाओं में या कुछ अभिलेखों में, जैसे सोहेगौरा और सारनाथ के अभिलेखों में मिलता है। अभी ये प्रारंभिक सूचना थी, हम अभी मध्यकाल में नहीं आए। मध्यकाल से पहले क्वेश्चन क्या है, मध्यकाल में अवधि का विकास। अभी हम अवधि को पहले देख रहे हैं कि अवधि का जन्म कैसे हुआ, अवधि का इतिहास देख रहे हैं। अवधि का अगर एक व्याकरण देखा जाए, बहुत सारे व्याकरण हैं, लेकिन एक अभी देखिए, उकारांत होती है अवधि। उकारांत अवधि में ज्यादातर उकार बहुला भाषा है। उकार का मतलब समझ लीजिए, अगर माता शब्द है तो मातु हो जाएगा, पितु हो जाएगा, ये उकार है। समझ में आया? कार्य है तो राम काजू, उकार, ठीक है। तो अवधि ज्यादातर क्या है, मैथमेटिकल नहीं है कि सब जगह उकार होगा, अधिकांशता ये क्या होगा, उकार बहुला भाषा है। और ब्रज भाषा कैसी है, ओकार या औकार, है ना। ब्रज भाषा मैया मुरी दाऊ बहुत खिजायो, सूरदास की पंक्ति, खिजायो ओ हो गया, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मोसो फिर ओकार हो गया। तो ब्रज भाषा कैसा है, ओ और औकार, है ना। तो अगर ब्रज को कहा जाए, ब्रज भाषा हम लोग पढ़ेंगे, ओकार या औकार, ये ब्रज भाषा है, ये एक सामान्य लक्षण है। अवधि की एक सामान्य विशेषता, कॉमन सी विशेषता, और भी कई विशेषताएं, लेकिन एक कॉमन सी विशेषता क्या है, उकार। तो ऐसे लक्षण कुछ मिलने लगेंगे।